अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तभी ऐसी है, ठीक है। मैं मुहम्मद इशफाक, तो साढ़े तो यूट्यूब चैनल भट्टी साहब, सारे चैनल तो नवे हो तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गए ना। वाल शुरू करने आज की वीडियो तो असा वेंदे पे असं अज असा के मैं वेंदे पे अज अपने ससुराल। ये वैसे ही मेरा साल आ खड़े वैसे अली अहमद साहब, ये वैसे मेरी बेटी दुआ फातिमा, छोटे को छोटे। तो असा वेंदे पे मैं वेंदे पे अपने ससुराल, असा वेंदे पे उत्थे कहने सारे एक अजीब सोच थी कि उंदी कुलखानी ते जितू जुलदे पे हुण ते तो उत्थे दिखे सो कुलखानी जी। असा सही रस्ते रुके खड़े ते त्रे लागे जरा रस्ते पीने पे पानी ते हां ओ वाग ना यार, ये क्या है? ते असा पड़ वेंदे पे गन्ने दी रो रस्ते ए दे दे पे हो कोलखानी पहुंचे खड़े कोलखानी कोलखानी जगह बनी हुई है सारे इतना सही घर जगह शगह तैयार थे पे खाना खाना तैयार थे पे इतना पावन जगह सारे को खाने थे पे सारा सी अजीज क्या है मेरा मामू है पिया मेरा मामू जरा सा अजीज है और मेरा मामू है पिया उन्हीं को खानी है असा को खानी तय बने आए वे मेरे ससुराल अब ससुराल वाली साइड से कोलखानी मेरे मामू जी सोच बल आपने सदा उन्हें आगे हुजूर ठीक है कल में करे कल गुजरे त्रीजी दिवारी हाल उन्हें आगे हुजूर मेरी मजबूरी है जेते मैं हुजूर दना उच्ची आवाज ना ना गिना मैं को सुकून नहीं आता उमैया मरे दे आप जेने मारे ना उमैया मारे ना ते आप खिले ना जेने मार बंद करे वो बड़ा हैरान कि ए अजीब चाल है कह को मारो ते रोंदे इको मारो ए खिलदे जेले मार बंद करो और रोंदे उन्हें पूछा भी गाल क्या है उन्हें आके जेले तुम बोले ना हुजूर मेरे सामने मैं कुमार को रोंदी है उन्हें बोला जेले मार बंद करे ने वन मेरे जख्म को तकलीफ दी दी वन में रोना शुरू कर दे जेले मार मिल दी बस सामने उन्हें सुन इमे अल्लाह ने जेले तलवार चल दी है ना गाजी पे शहीद पे तलवार जेले चल दी है ना जंग के लड़न वाले इस्लाम पास तलवार गर्दन पे होगी दीदार खुदा सामने ई वास्ते पर मरण वाले को तकलीफ नहीं थी जो ते जैसे ते टुकड़े थे ना तो उनको परवाह नहीं होगी और रब के दीदार च मस्त होते हैं। डॉक्टर तारुल कादरी ने अपनी किताब में लिखी है कि हदीस एक नकल कर दिया आप फरमाने के जरा शहीद है वो कितनी तकलीफ थी फरमाया इतनी जले तलवार चलती होगी गर्दन दे उनको इतनी तकलीफ थी दी है कि जिमे एक कबीली नहीं चक पे कीड़ी कटे दी है कबीली कबीली जितना चक पहनी है ना इतनी तकलीफ शहीद को थी दिए जले उनकी गर्दन लाती है तलवार ना इतनी तकलीफ एक दिन जले रब का दीदार सामने होवे पर तकलीफ तकलीफ नहीं रामिया हजरत बिलाल हबशी फरमाना जेले तू मैं को मरेने मैं को पता नहीं होता हुजूर सामने होन जेले मार बन दी थी बस मैं तकलीफ दी दी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो जेले हुजूर दी बारगाह वेच गया यार किदा यार रसूल अल्लाह गुलाम में बड़ा आशिक है रोज मार खांदे मेरा इरादा है कुमुल खिन गिनो सरकार ने फरमा अबू बकर जेले मोल गिनन वंजन ना मेरा हिस्सा भी ना शामिल फरमा सुभान अल्लाह आप चले गए उमैया के घर गए दरवाजा खटखटाया उमैया बाहर आया आपने बड़े तरीके ना आपने फरमाया ओए बिलाल तू क्यों मरे ने उन्हें आगे जे तो आपको तकलीफ है तो मोल गिन गिन उन्हें आगे दस कितने पैसे उन वद के पैसे दसे आपने पैसे असे ते इथा आए वदे असे कोलखानी थी गई है ते हुन थी वाला लिए इथा शाम तक उधर इथु दा दिखेने है सेटअप ये दे दे पे सामने सूरज ग्रुप थी ना पे बिलकुल गिलेवाल का इलाका है
हर पास आबादी है। आज दी वीडियो दा साइड थैंक यू करने एंड ते मुलाकात थी कल दी नवी वीडियो। तब तक किते अल्लाह हाफिज़।